दीपेंद्र हुड्डा की चुनौती को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त के दिन उचाना ही जमीन से दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि 2024 के विधानसभा चुनावों में जेजेपी खाता भी नहीं खोल पाएगी, यानी कि 90 में से एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। मगर आज उचाना की धरती से दुष्यंत चौटाला ने न सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा की खुली चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि कांग्रेस के मौजूदा हालातों का भी आईना दिखा दिया। चलिए पहले आपको दीपेंद्र हुड्डा का बयान सुनाते हैं, फिर उसके पलटवार में दुष्यंत ने क्या कुछ कहा सुनिए। और मैं इनको भी चुनौती देना चाहता हूँ, जेजेपी वालों को मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, 90 सीट है हरियाणा में, आप पहुँच जाना। आपने जो विश्वासघात किया है, एक भी विधायक जेजेपी का हरियाणा से हरियाणा विधानसभा में हरियाणा की जनता जाने, मैं चुनौती देना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था। जिस दिन महकमे बटे उसी दिन पता चल गया समझौता किस नाम का था। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का किसके पास गया, पंचायत का किसके पास गया, तो भ्रष्टाचार का चेहरा है ये सरकार। भ्रष्टाचार के आधार पर बनी हुई सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार। अगर देश में भ्रष्टाचार पे नंबर एक सरकार है तो वो ये खट्टर सरकार है। चलो मैं चुनौती एक्सेप्ट भी करता हूँ, और ना कभी पीछे हटे इन चीजों से। राजनीति के अंदर कौन कब कितना ले आए ये तो जनमत फैसला करती है, जिस जनमत को उन्हीं की पार्टी के लोग राक्षस कहते हैं। हमने तो हमेशा हरियाणा का उत्थार कैसे हो इसके उपरांत काम किया और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े हैं। इसीलिए आज हमारा संगठन 4.5 साल में इतना मजबूत हुआ है। सर उनकी तो 125 साल पुरानी पार्टी है, हालत क्या है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बना के आ सकते। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ कि जनता का जो जनादेश है वो तय करेगा कौन एक लाएगा कौन 90 लाएगा। चौधरी देवीलाल जी राजीव गांधी की उस हवा में अगर 85 ला सकते हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और कांग्रेसियों को बहुत अच्छी तरह जानती है। सर ब्रजेंद्र सिंह कल दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि सर जो आपने मल्टी पर्पज होल का है ना श्रेय लेना चाहते हैं कि झूठ के कोई पाऊं। मैं तो उस दिन माइक पे भी बोला था मेरी लिस्ट में है ही नहीं, रिकॉर्डिंग निकाल के उनको दिखा दी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनावों में किसको कितनी सीट मिलेगी इसका फैसला जनता करेगी। वहीं दुष्यंत ने रणदीप सुरजेवाला द्वारा भाजपा जेजेपी के वोटरों को राक्षस की संज्ञा देने पर कहा कि रणदीप धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वोटरों को अपना भगवान मानते हैं, उनको राक्षस कहना उनकी ओछी मानसिकता है। उचाना से प्रदीप शोकन, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।